हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की देसी सब्जी। तो जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप बड़ी मूंग दाल। थोड़ी सी मैंने यहाँ चने की दाल मिक्स की, उसे भिगो लिया है। भिगोने के बाद 3-4 घंटे के बाद वॉश करके मिक्सी में इसे मैं पीस लेना है और इसका एक पेस्ट रेडी करना है। थोड़ा पानी ऐड किया है हमने, सारी दाल को अच्छे से पेस्ट बना के रख लिया है। इसे अच्छे से फेंटने के बाद 2-3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। फिर दोबारा से थोड़ा सा 2-3 बार मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हमें 1 कटोरी दाल निकाल लेनी है जो हमें एंड में चाहिए सब्जी के लिए। बाकी हम इसे इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। इसमें जीरा, नमक और मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल के अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तो चलिए बनाते हैं पकौड़ियाँ। तो पहले हम चेक करेंगे तेल हो गया या नहीं। तो हमने पकौड़ियों को डालना स्टार्ट कर दिया है। इसे लो टू हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिससे ये अंदर से भी पक जाएंगी और बाहर से भी। इसी तरह हमने बाकी की भी पकौड़ियाँ तल ली हैं। सारी पकौड़ियाँ हमने फ्राई करके रख ली हैं। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। जीरा, हींग, दो हरी मिर्च, प्याज और लहसुन, इन्हें हम भून लेंगे अच्छे से। ब्राउन होने के बाद हमने ऐड किए मसाले। हल्दी 1 चम्मच, आधी चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया। थोड़ा पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें ऐड किया मैंने 3 चम्मच नमक। बाकी जो मैंने 1 कटोरी दाल निकाली थी वो मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। और डायरेक्ट मिक्स करते करते हमें पानी भी ऐड करना है, जिससे दाल लगे ना और थोड़ा भून भी जाए। फिर हमें पानी ऐड करना है। स्टर करते करते पानी भी ऐड करना है, इससे दाल गाढ़ी भी ना हो और अच्छे से फ्राई हो। अच्छे से बॉईल होने के बाद हमने पकौड़ी ऐड करी और थोड़ा सा गरम मसाला टेस्ट के लिए डाल दिया। अब एंड में ऐड किया धनिया। अब 2-3 बार बॉईल आने के बाद देखेंगे पकौड़ी बहुत सॉफ्ट हो गई है। चेक करके देखेंगे। बाकी इसमें जब आप खाएं तो थोड़ा देसी घी डाल के टेस्ट करें, बहुत ही अच्छा। और देसी सब्जी जब आपके पास कुछ ना हो तो आप